अभी हमारे साथ प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र आकाश दास जी हैं, जिनके बारे में मैंने सुना है कि इनके फ़ोटोग्राफ्स बहुत महंगे मिलते हैं। शायद देश में सबसे महंगे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र यही होंगे। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इनके जो चित्र हैं यहाँ पे चारों तरफ लगे हुए हैं, सर वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी जो प्रोडक्ट होता है, फ़ोटोग्राफ जो होता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी लगता है कि बिना मेहनत की एक चीज़ है जो आपको स्पॉन्टेनियस आपने कर ली, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? सी, एक चीज़ है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट, जैसे अगर आप वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं जी, तो आपको सबसे पहले ये है कि आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ होता क्या है। मतलब वाइल्ड लाइफ तो आप जानते हैं, जंगल में रहता है जो जानवर उसको वाइल्ड लाइफ बोला जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप टाइगर का फोटोग्राफी कर रहे हैं तो पहले आपको जानना पड़ेगा टाइगर का हैबिटेट किस तरीके का होता है, वो क्या खाता है, कैसे रहता है। क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो टाइगर आपके पास में भी बैठा होगा, आपको पता नहीं चलेगा जी। अब अगर टाइगर है, टाइगर सबसे ज़्यादा एल्यूसिव जानवरों में से सबसे ज़्यादा एल्यूसिव है, वो सामने खुल के नहीं आता है, स्पेशली इन इंडिया में, स्पेशली जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हुआ, इस सब जगह में आपको टाइगर मिलेंगे लेकिन टाइगर निकल के नहीं आते हैं। तो लोग बोलते हैं घंटे घंटे हम वेट करते हैं, मिलता नहीं है जी। क्योंकि आप टाइगर को कभी ये नहीं अच्छा लगता कि कोई आदमी बोले या जीप में जाके हड़बड़ मचाए कुछ करे, तो वो उससे दूर रहते हैं। तो टाइगर आपके साथ ही बैठा हुआ है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, टाइगर आपको देख रहा होगा जी। तो आप जब जानेंगे जी भाई, सबसे पहले ये है कि मुझे पेशेंस चाहिए, मुझे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करनी है, पेशेंस चाहिए, तो मैं एक जगह जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ पे आसपास टाइगर है, तो मुझे सबसे पहले जो है अपना जीप का इंजन बंद करके बैठा रहना पड़ेगा वहाँ पे। मुझे ये अपना दोनों कान खोल के रखने पड़ेंगे, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, खाली ये सुनना पड़ेगा कहीं से कॉल तो नहीं आ रहा है जी। जब आपको पता लगेगा कि एक लंगूर ने कॉल किया, आप मान के चलिए कि 100% टाइगर है जी। आप मानिएगा एक वो क्या बोलते हैं स्पॉटेड डियर कॉल कर रहा है जी, तो हो सकता है वो जैकॉल को देख के कर रहा है जी, टाइगर नहीं भी हो सकता, घबरा के कर रहा है जी। लेकिन अगर सांबर करेगा तो इसका मतलब वो 100% वहाँ पर टाइगर। तो आपको जब पता लग गया टाइगर है, तब आप बिल्कुल शांति से बैठिए, एज इफ आपको हो सके घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा यहाँ पे बैठा रहना, हिलना नहीं है जी। और जहाँ पे भी आपको लगे कि इस तरीके से टाइगर यहाँ पे आ सकता है, आप रेडी रहिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समस्या होता है कि वाइल्ड लाइफ के लिए बड़े बड़े लेंस होते हैं, बड़े कैमराज होते हैं, तो आपको उसको रेडी रखना है। रेडी रखना मतलब या तो वो हाथ में पकड़ के रखिए, आपको इतना दम होना चाहिए, या आप कोई बीट बैग के ऊपर रखिए, लेकिन आप नहीं हिल सकते हैं जी। आप अगर बोले यार यहाँ पे बहुत मच्छर है, या यहाँ पे ये फ्लाइज आर देयर, लेकिन वो और यह बहुत गर्मी है, चलो आगे चलते हैं, नहीं, आपको वहीं एक ही जगह ध्यान लगाना है बैठ के। जब आपको 100% टाइम में 100 में से 100 तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 70-80% टाइम आप सक्सेसफुल होगे फोटोग्राफी करने में टाइगर के। ऐसे ही होता है जैसे आप एलिफेंट का फोटोग्राफी कर रहे हो, तो एलिफेंट का भी वो एलिफेंट भी अच्छा, कोई भी जानवर को ह्यूमन जो है वॉइसेस हैं अच्छा नहीं लगता है जी, गाड़ी की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, तो वो हट जाते हैं ये सब सुनने के बाद जी। और उनका वैसे भी उनका सेंस सेंसरीज ऑफ हियरिंग सेंसरीज आर वेरी वेरी शार्प, सो वो आप आस्ते से बात कर रहे हो उनको सुनाई पड़ता है जी, दे गेट इरिटेटेड, दे मूव आउट। सो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक हर्ड ऑफ एलिफेंट है, वहाँ जाके आपको जीप बंद करके चुपचाप बैठना है। आप देखोगे आस्ते आस्ते वो एलिफेंट जब देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं आसपास, ये कोई हमारा खतरा नहीं है, तो आस्ते 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 वो आगे आएगा, वहाँ पे घास खाएगा, एंड आप बैठ के जितना मर्जी पिक्चर बनाइए उसमें, और एक ही हर्ड में से आप इतने 100 पिक्चर्स बना सकते हैं, कोई आपको मतलब ना अटैक करेगा ना कुछ करेगा, बट जैसे ही आप बात करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तो वो वहाँ पे आपका अटैक भी कर सकते हैं, या मूव कर जाएंगे जी। तो ये सब हर एक मतलब वाइल्ड लाइफ तो एक इजी चीज़ नहीं है, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और सर क्या ये इसमें कोई लाइफ के का ये भी होता है,
कभी किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की लाइफ चली गई हो? हाँ ऐसे फोटोग्राफी होता है, करते ऐसे होता है क्योंकि कई कई फोटोग्राफर्स जो हैं वो नेचर को ओवररूल करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे टाइगर का विसिनिटी में घुस गए पैदल, तो डेविड हंट का यही हुआ था, वो फोटोग्राफर नहीं थे लेकिन वो लिखते थे, तो वो बर्ड वॉच करते करते जीप से उतर के वो थोड़ा सा 10 फीट अंदर चले गए और वहीं टाइगर बैठा हुआ था। वही मैं बोल रहा, टाइगर कहाँ पे आपको मालूम नहीं, तो उससे क्या हुआ, डेविड हंट को इमीडिएटली उठा के ले गया, लोगों को पता नहीं लगा, थोड़ी देर बाद डेविड हंट नहीं मिल रहे हैं, तब अंदर जाके जंगल में हाथी वाती लेके गए फॉरेस्ट ऑफिशियल, तब पता लगा वो उनको मार दिया है टाइगर। और सर जो परस्यू करना चाहते हैं कैरियर एज हॉबी या एज कैरियर, उनके लिए आपका कोई सजेशन जो यंग पीपल? देखिए पहले सबसे पहले ये है, कोई भी करियर हो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आप अगर उसमें माहिर नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा जी, तो आपको उसको परस्यू करना पड़ेगा पहले टू डेवलप दैट आर्ट जी। जब आपको करियर करना है उसके अंदर, तो आपको ये है कि वो वाई, आपको ये देखना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट है, आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है, या आपको सीनिक ब्यूटी में इंटरेस्टेड इंटरेस्ट है, या फैशन में इंटरेस्ट है। जब आप वो जानेंगे कि किस में आपको इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपको करियर का परस्यू करना पड़ेगा। अब जितना वाइल्ड लाइफ के जब बात आती है, तो वाइल्ड लाइफ में इट्स नॉट ए इजी थिंग टू परस्यू अ करियर, बिकॉज वाइल्ड लाइफ आपको तो कोई ऐसा आके बोलेगा नहीं, भाई मेरे पास एक हाथी है आप उसका पिक्चर लो, मैं आपको पैसा दूंगा। तो एक आपको उस आर्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आपने इतना देखा कि आपका तजुर्बा इतना हो गया कि आप एक एलिफेंट टाइगर बर्ड को आप एक आर्ट फॉर्म में ला सकते हो, लोगों को अच्छा लगेगा, वो देख के अच्छा लग रहा है, तब वो आस्ते आस्ते आपके पिक्चर्स खरीदेंगे, तो उस तरीके से आपका करियर बन सकता है। लेकिन आप अपना पिक्चर अगर मैगजीन में दोगे, आपका नाम होगा लेकिन आप वो कोई खरीदेगा नहीं। सो एज ए करियर, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी देन यू हैव टू वर्क रियली 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 हार्ड, देर इज नो शॉर्टकट इन दिस, बिकॉज एक आपका वाइल्ड लाइफ में अमेरिका बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपके जो लेंसेस है, जो कैमरा है, लेटेस्ट कैमरा, और उसके अंदर स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ये सब है। दूसरा ये पेशेंस चाहिए जी। तो ज़्यादातर लोगों को तो पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं होने से कुछ भी नहीं हो सकता जी, ये चीज़ है एक्चुअली। तो करियर बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन करियर बन सकता है। अगर बन गया तो आप देखिए, आप जिसमें जो चीज़ आप जंगल जंगल में घूमेंगे, इतना बढ़िया जो आपका एक माहौल बनता है जंगलों के अंदर, आप एंजॉय कर रहे हो और आप कमा भी रहे हो जी, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो प्रसिद्ध फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आकाश दास जी से हमने ये जाना कि क्या क्या मुसीबतें हैं, और कई घंटे आप वेट करके एक फ़ोटो, शायद वो भी आपका नसीब अच्छा हो तब आप एक फ़ोटो ले पाते हैं जो अच्छी प्रिंट क्वालिटी के लिए होती है, या आप जो चीज़ एग्जैक्टली खींचना चाहते हैं वो आप खींच पाते हैं। और कैरियर का जहाँ तक सवाल है, कैरियर के लिए पहले हार्डवर्क फिर कैरियर, ये मैरिज फोटोग्राफी और वेडिंग शूट इस टाइप की चीज़ें नहीं हैं, ये इसके लिए आपको पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले अपना नाम करना पड़ेगा फोटोग्राफी के थ्रू, और फिर जाके आप कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।